क्या आप लोग भी जानना चाहते हैं कि 2007 के विंडो में हम किसी फोल्डर को कैसे लॉक करेंगे? तो चलिए आज के वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप किसी फोल्डर को कैसे लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक फोल्डर क्रिएट किया है, ठीक है, तो फोल्डर का नाम हम चेंज कर लेते हैं, इसका नाम फोल्डर लॉक रख लेता हूँ मैं, ठीक है, फोल्डर लॉक मैंने लिख लिया इसका नाम, ठीक है। अब इस फोल्डर को आप कैसे लॉक करेंगे, सिंपल मेथड है, ठीक है। आपने इस फोल्डर के ऊपर आना है, देन उसके बाद राइट क्लिक करना है माउस के थ्रू, राइट क्लिक करके जस्ट आपने प्रॉपर्टी में आना है, ठीक है, नीचे नीचे प्रॉपर्टी में आके सिक्योरिटी में क्लिक करना है, सिक्योरिटी के बाद देन एडिट करना है, ठीक है, ये एडिट करके उसके बाद बीच वाले ऑप्शन पे आना है, देन उसके बाद ये ऑल मार्क दे देने, ठीक है, जितने मार्क हैं उनको मार्क दे के अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद, ठीक है, अभी ये फोल्डर ना ही डिलीट होगा ना ही ओपन होगा, ये देखिए ना ही ओपन हो रहा है, ठीक है, ये मैं ओपन कर रहा हूँ, ये ओपन नहीं हो रहा है। उसके बाद डिलीट डिलीट करते हैं, अब ये देखें डिलीट भी नहीं होगा। तो इस फोल्डर को वापसी कैसे अनलॉक करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अनलॉक कैसे होगा। ये सेम मेथड है, ठीक है, आपने प्रॉपर्टी पे आना है, उसके बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बाद एडिट करके बीच वाले में आके मार्क हटा देने हैं, ठीक है, उसके बाद ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। अप्लाई कर लें, अप्लाई करने के बाद ये फोल्डर अभी डिलीट भी होगा और इसमें जो कुछ है वो डिलीट भी होगा, देन उसके बाद ये फोल्डर लॉक करने का ये आसान तरीका है 2007 के विंडो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।